दोस्तों, आज की कहानी है समदन जी। आप मेरी बेटी की सास नहीं माँ हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। एकता की ननद और दोनों बच्चे एक सप्ताह के लिए छुट्टियों में आए हुए थे। उसने पति से कहा कि रविवार छुट्टी के दिन पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें घर के सभी सदस्य सवेरे से शाम तक के लिए रिसोर्ट में एंजॉय करेंगे। पति ने उस रिसोर्ट में रविवार के लिए अपनी बुकिंग कर दी। एकता उसके पति अशोक, सास ससुर एकता का बेटा सलोक, ननंद और उनके बच्चे सभी बहुत उत्साहित थे। रविवार के दिन सवेरे गाड़ी में सभी बैठकर घर से निकले। एक घंटे का रास्ता था। खूब गप्पे मारते, गाने सुनते, हंसी सुहल करते। एक घंटे का वक्त कब निकल गया पता ही नहीं लगा। रिसोर्ट में पहुंच पहले सब ने साय नाश्ता किया और फिर सभी खेलने मस्ती करने निकल पड़े। सावन महीना था, रिसोर्ट में झूले भी डाले हुए थे। सास ससुर तो झूलों पर बैठकर एक मुद्दत के बाद उन झूलों का आनंद उठाने लगे। अतीत की यादों में खो गए। वहीं बच्चे दौड़ने भागने वाले खेल वाटर पार्क, ऊंट की सवारी, कठपुतली के खेल, म्यूजिकल शेयर आदि का आनंद उठाने लगे। उनके साथ ही एकता, अशोक तथा ननंद भी इन सभी खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। उल्लास उत्साह से भरे हुए सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। सभी ने खूब धमा सौकड़ी की। एकता तो बच्चों के साथ बच्ची बन कर खूब दौड़ भाग कर रही थी। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह एक झटके से नीचे गिर गई। गिरते ही उसकी सीख निकल गई। सभी दौड़ कर वहां पहुंचे, उसका पैर मुड़ गया था और उसे दर्द सहन नहीं हो रहा था। अशोक ने हल्के हाथों से मालिश करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे सुनने भी नहीं दे रही थी। दर्द से बिल बिला रही थी। सभी को लगा कि शायद हड्डी क्रैक हो गई है। किसी तरह धीरे धीरे सला कर उसे कार तक लाया गया और पिकनिक 20 में ही छोड़ कर सभी वापस घर की ओर निकल पड़े। एकता को अशोक डॉक्टर के पास ले गया। एक्सरे निकाले तो पता लगा एड़ी की हड्डी में क्रैक हो गया है। 1.5 महीने का प्लास्टर लगाना पड़ेगा। घर का वातावरण एकदम बदल गया। सभी के चेहरे पर उदासी और चिंता की लकीरें आ गई। एकता के तो लगातार आंसू बह रहे थे और वह बार बार कह रही थी, सॉरी मैंने सारा पिकनिक का मजा बिगाड़ दिया।
एक तरह का अपराध बोध महसूस कर रही थी। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि घर का इतना सारा काम किस तरह होगा। पहले तो एकता और उसकी सास दोनों मिलकर काम कर लेते थे, लेकिन एकता के पूरी तरह से बिस्तर से लगने पर इतना सारा काम सास अकेले कैसे करेगी। उनकी भी तो उम्र 30 वर्ष हो चुकी है, आखिर वह कितना कर पाएगी। एकता ने ही सुझाव दिया कि उसकी मम्मी को बुला लिया जाए, मायके में उसकी भाभी घर संभाल लेगी और मम्मी कुछ दिन यहाँ रहकर मदद कर देगी। सभी को सुझाव पसंद आ गया और उन्हें खबर कर दी गई। उनके आने तक ननंद ही हर काम में माँ की मदद करती रही। बिस्तर पर लेटी एकता को जब सास साए नाश्ता देने जाती तो वह कहती, मम्मी मुझे इतनी शर्म आ रही है, आराम की जरूरत आपको है और मैं बिस्तर पर पड़कर आपसे काम करवा रही हूँ, कितनी बेशर्म हूँ ना। उसकी आंखें भर आती, सास सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, तुम क्या जानबूझकर गिरी हो और जो तुम्हें तकलीफ हो रही है वह क्या तुमने जानबूझकर कर ली है। जो होना था सो हो गया, अब अपराध बोध पालने से क्या होगा यही समझ लो। तो जैसे पहले डिलीवरी में 40 दिन आराम किया था, अब फिर से 40 दिन आराम कर रही हो। माहौल को हल्का बनाते हुए सास कहती, तो सभी खिल खिलाकर हंस पड़े। एकता की मम्मी आ गई और ननंद का भी अपने घर जाने का वक्त आ गया। सवेरे एकता की सास नाश्ता बना रही थी, जब उन्होंने प्लेट में एकता के लिए नाश्ता परोसा उसे देने जाने लगी। अचानक उसकी मम्मी आ गई और पूछने लगी, ये तो दलिया है ना, एकता तो खाती नहीं। मुस्कुराकर एकता की सास ने कहा, वह तो खाती है, आप उसके पास बैठकर देख लीजिए। और सचमुच एकता बड़े शौक से दलिया खाने लगी। माँ ने हैरानी से पूछ लिया, एकता तुझे तो ये दलिया जरा भी पसंद नहीं था, जब मैं घर में बनाती थी तो भूख हड़ताल कर देती थी, अभी कब से खाने लगी। मम्मी जी ने एक दिन बड़े प्यार से मुझसे आग्रह किया कि मैं एक बार खाकर तो देखूं, उसमें इतनी सारी सब्जियां मसाले डाले हुए हैं और इतना पौष्टिक है, तो शक कर देखने में क्या हर्ज है। जब हम जंक फूड साइनिज खाने के लिए टेस्ट डेवलप कर सकते हैं, तो अपने परंपरागत पौष्टिक खाने के लिए क्यों नहीं कर सकते। उनके आग्रह पर मैंने थोड़ा सा खाकर देखा तो मुझे सचमुच अच्छा लगा और बस उसके बाद मैं खाने लग गई। एकता
की मम्मी को सारी बातें सुनकर हैरानी भी हुई और अच्छा भी लगा कि सास बहु में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एकता को सारा दिन बिस्तर पर ही रहना पड़ता था, इसलिए उसके सारे काम उसकी मम्मी ही करने लगी। वॉशरूम ले जाना, नहाना, दवा देना, साय पानी, नाश्ता, खाना देना, ये सभी काम उन्होंने अपने जिम्मे ले लिए। इससे एकता की सास को काफी राहत मिल गई। एकता से मिलने के लिए उसकी काफी सारी सहेलियां संबंधी आते। सास को उन सब को देखना पड़ता, उनके लिए साय नाश्ते का प्रबंधन करना पड़ता। इन सब कार्यों मैं भी वह थक जाती। ऐसे ही एक दिन उनके मुंह से निकल गया, आज बहुत ज्यादा सलना हो गया, पैरों में दर्द होने लगा है। एकता की मम्मी फौरन बोली, लाइए बहन जी, मैं आपको थोड़ी तेल की मालिश कर देती हूँ। सास बोली, आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं, भला अच्छा लगता है, मैं आपसे मालिश कर। वाओ, तो क्या हुआ, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, आप पर काम का इतना बोझ है, घर बाहर के सभी काम आपको देखने पड़ते हैं, धन्य हैं आप जो बिना किसी शिकवे शिकायत के सहजता से इतना कुछ संभाल रही हैं। कहाँ से लाती हैं आप इतनी एनर्जी और सहनशीलता। सास के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अच्छे से जानती है कि रिश्तों को किस प्रकार मधुर और प्रगाढ़ बना के रखा जाता है। इसके लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, कुछ बातों को छोड़ना पड़ता है, पकड़कर नहीं रखा जा सकता। प्रेम, त्याग, सहयोग, निस्वार्थ भाव रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगले दिन एकता की मम्मी किचन में आ गई और बोली, आप मुझे बता दीजिए सामान कहाँ कहाँ पर है, मैं भी खाना बनाने में आपको मदद कर देती हूँ। अगले दिन से वह भी हर संभव मदद करने लगी। उन्होंने देखा एकता की सास उसके भोजन पर विशेष ध्यान देती है, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली चीजों को प्रमुखता से स्थान देती है, हरी सब्जियां, फल, नारियल पानी, जूस, बादाम, अलसी, तिल्ली, गुड़ आदि का प्रचुरता से इस्तेमाल करती। एकता खाने में कुछ टाल मटोल करती तो उसे समझाते हुए कहती, तुम्हें जल्दी ठीक होना है कि नहीं, अभी तो तुम्हें बहुत काम करने हैं, जल्दी से स्वस्थ हो जाओ। उसकी मम्मी देखती रहती और मन ही मन बहुत संतुष्ट होती कि सास कितने अच्छे तरीके से अपनी बहू की देखभाल कर रही है। अगर और कोई सास होती तो शायद ऐसे हालत में बहू को मायके ही भेज देती कि हमसे इतने लंबे समय तक इसकी सेवा नहीं होती। एक महीना बीत गया तो डॉक्टर ने एकता को वक्र के सहारे थोड़ा थोड़ा सलने के लिए कहा।
अब उसकी मम्मी ने भी वापस जाने की इजाजत मांगी। जाते वक्त वह समधन के गले लगकर भावुक हो गई। समधन जी, आप मेरी बेटी की सास नहीं माँ है। वह बड़ी खुश किस्मत है जो आपके घर आई है। आपने जिस प्रकार इतने प्यार ममता और निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा की है, वह कोई विरला ही कर सकता है। मुझे तो उसकी जरा भी चिंता नहीं रही। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब अपनी बहू के साथ भी मैं ऐसा ही व्यवहार करूंगी जैसा आप अपनी बहू के साथ करते हैं। वह हमेशा आपकी तारीफ करती थी, लेकिन इस बार तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि उसकी बातें सच होती थी। बहुत संतुष्ट होकर उन्होंने बेटी के घर से विदाई